महाराजा श्री अग्रसेन जी की 5137वीं जयंती के अवसर पर मनाए जा रहे श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव के अंतर्गत 2 अक्टूबर बुधवार को दोपहर 2:30 बजे से महिला सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुष्पा मित्तल और गोविंद नारायण कुचिल्या थे। अग्रवाल पाठशाला भवन में आयोजित सांस्कृतिक संध्या के दौरान 0 से 6 वर्ष और 6 से 15 वर्ष की बालिकाओं के लिए फैंसी ड्रेस और नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके बाद 16 से 30 और 30 से अधिक उम्र की महिलाओं और युवतियों ने एक से बढ़कर एक फिल्मी और लोकगीतों पर शानदार नृत्य की प्रस्तुति देकर पुरस्कार जीते। संयोजक अशोक पंसारी के मुताबिक मनाए जा रहे श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव के आगामी कार्यक्रमों में 3 अक्टूबर को महिला खेलकूद व रात 8 बजे से पूना के संदीप पचवाटकर ग्रुप द्वारा सांस्कृतिक संगीतमय कार्यक्रम जुगनू की प्रस्तुति, 4 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से मित्तल अस्पताल में रक्तदान शिविर और रात 8 बजे से अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन होगा। 5 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे से ब्लू केसर धर्मशाला से विशाल शोभायात्रा निकलेगी जो अग्रसेन नगर पर संपन्न होगी। 6 अक्टूबर को रात 8 बजे से सांस्कृतिक संध्या और 7 अक्टूबर को सामूहिक प्रसादी के साथ महोत्सव का समापन होगा। अग्रवाल महिला समिति के द्वारा यहाँ पर महिला सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है जिसमें बच्चों के फैंसी ड्रेस और डांस प्रतियोगिता रखी गई है। उसमें विभिन्न आयु वर्ग की प्रतियोगिता रखी गई है। उसमें डांस और फैंसी ड्रेस सभी के लिए है। विचित्र वेशभूषा में बच्चे इस तरह लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। सब बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है और सब बड़े मनोरंजन सब देख रहे हैं। हमारा 3 अक्टूबर को शाम को पूना से संदीप पंचावटकर की संगीत में पार्टी आएगी जो 19वीं शताब्दी से लेकर आज तक के जो फिल्मी आधारित कव्वाली है उन पे अपनी प्रस्तुति देगी। इसके अलावा शहरवासियों के लिए हम एक कवि सम्मेलन का आयोजन हर वर्ष करते आ रहे हैं। ये कवि सम्मेलन 4 अक्टूबर को सायकाल 8 बजे हमारे लाडले कवि राज बिहारी जी गौड़ की अगुवाई में होगा जिसमें दिल्ली से कानपुर से सुरेश अवस्थी हास्य के और मंजीत सिंह फरीदाबाद से कवि आएंगे। इसके अलावा और भी अन्य बड़े कवि इसमें भाग लेंगे। अखिल भारतीय स्तर के इस कवि सम्मेलन में सभी शहरवासियों को आमंत्रित किया गया है। मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल में मंगलवार को गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करते हुए ओडिसी नृत्य में पारंगत छात्राओं ने आकर्षक नृत्य की प्रस्तुति देकर सभी दर्शकों को रोमांचित कर दिया। कार्यक्रम में कॉलेज के नैना लड्ढा, हर्षिता भार्गव, श्रेया श्रेष्ठा, कृति रंचरा कुमारी, राधिका चुड़ासमा, मल्लिका थापा और श्रावणी पांडे ने मंच पर ओडिसी नृत्य की प्रस्तुति दी तो पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कार्यक्रम का शुभारंभ गंगा तरंग रमणीय भजन पर नृत्य से की गया। इसके बाद बटुक भैरव की आराधना बटू नृत्य से की गई। बसंती पल्लवी राग में छात्राओं ने नृत्य के जरिए बसंत ऋतु के परिवर्तनों को दर्शाया। इसके अलावा और भी कई भजन और गीतों पर नृत्य की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जगन्नाथपुरी के पूर्व के महाराजा दिव्य सिंह देव थे।
प्राचार्य कंचन खांडके ने सभी अतिथियों का स्वागत किया।